अब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल आपने बहुत सुना होगा, तो आज ऐसा करते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल का किस्सा ही खत्म कर देते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो पहले डिस्कस ये कर लें, हाउ डू वी नो इफ द सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये बड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है। व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th तो मुझे भी बड़ी दिक्कतें होती थी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर 11th और 12th और इंजीनियरिंग। ओके, हम आज इसको क्लियर कर देते हैं। हम लोग एग्जांपल देखेंगे PCl5 का, ठीक है। ऑक्टेट फॉर फॉस्फोरस इज कंप्लीट, और आपको मालूम है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4s0 3d0। अब जैसा कि आपको मालूम है जो spdf ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस हैज एंटर्ड 3p, 3p3 वाला 3p, और 3p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है, 3, क्योंकि p के बगल वाला है, p का कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जो ऑर्बिटल शुरू हो रहा है d, वो 3d से शुरू हो रहा है, और d का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3। जो नेक्स्ट डी ऑर्बिटल 3d है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है, ठीक है। अब आप अगर देखें तो फॉस्फोरस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था उस 3p3 वाला, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3, और जो नेक्स्ट डी ऑर्बिटल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3। तो एक रूल याद रखिएगा, रूल क्या है, इफ द प्रिंसिपल नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, तब हम उसको बोलेंगे इट इज हैविंग अ वैकेंट डी ऑर्बिटल। PCl5 के केस में इट वॉज हैविंग 0 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो नेक्स्ट डी ऑर्बिटल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर आ गया है, इसीलिए कहेंगे इसमें वैकेंसी है, इसीलिए PCl5 क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। आई होप इट इज क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको हम सम अप करते हैं। सो देयर आर टू कंडीशंस फॉर आइडेंटिफाइंग इफ सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल और नॉट। पहली कंडीशन है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड शुड बी इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, जैसे हमने PCl5 वाले केस में देखा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन है जो डी ऑर्बिटल है वो वेकेंट होना चाहिए, इसका मतलब इट शुड हैव 0 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम कहेंगे कि किसी सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल है या किसी मॉलिक्यूल में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्लियर हो गया। अब एक काम करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। NCl3 क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? अब आप जैसे देख रहे होंगे NCl3 के केस में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसे पता कैसे लगाएंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 1s2 2s2 2p3 3s0 3p0 4s0 3d0, ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड कितना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, 2p में, और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2, क्योंकि p के कोएफिशिएंट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट डी ऑर्बिटल है वो स्टार्ट हो रहा है 3d से, जो कंडीशन है वो कंडीशन है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड शुड बी इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, और इस केस में 2 और 3 मैच नहीं कर रहे, इसीलिए हम कहेंगे जो NCl3 में 3d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी तो है लेकिन वेकेंट नहीं है,